हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सब लोग? होप सब बड़े ही होंगे। अभी जो है अपनी बाइक में एक एस्थेटिक वाला मॉड करने वाले हैं। तो कुछ फंक्शनल नहीं है, वो कुछ काम नहीं है उसका, वो सिर्फ दिखने का अच्छा है। तो अभी क्या है, अपन यहाँ पे ब्रैम्बो का मास्टर सिलेंडर लगवाने वाले हैं, जो सबसे बड़ा कैन आता है वही लगाऊंगा इसमें। तो भीतर में यहाँ पर एक थ्रेड है मिरर लगाने का, तो यहीं से उसका क्लैम जो है लग जाएगा। पहले तो बहुत मन था इसमें जो है ब्रैम्बो RCS 19 जो अपना जो है रेप्लिका, मतलब वो कॉपी जो है वो आता है, वो लगाने का मेरा मन था। तो जितने भी रिव्यू उसके देखे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो ज़्यादातर जो है लोग अच्छा नहीं बोल रहे थे उस ब्रैम्बो किट का, तो वो अभी नहीं लगवाएंगे। तो देखो आप कौन सा अपन लगवाते हैं। तो फिलहाल इंस्टॉलेशन मेरे को इजी लग रहा है फीतरी में, तो देखते हैं। और मैंने जो है वो स्काई वॉइस शॉप से बाय किया है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन वो अवेलेबल है मगर बहुत प्राइस है उसका। तो स्काई वॉइस शॉप का जो है लिंक मैं दे दूंगा, आप उनसे बात करके भी खरीद सकते हो। तो फिलहाल दिखाते हैं अपना जो है पैकेट जो है वो दिखाते हैं। सो ये रहा अपना, जैसा देख पा रहे हो इसमें ही है वो सारा कुछ। तो ये आप खोल कर दिखाते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो फिलहाल एक पाइप मिलता है ब्लू कलर का, देखते हो अगर ब्लू कलर लगवाने से अच्छा लगेगा तो ब्लू अपना पाइप भी डाल देंगे, वरना ऐसे ही अपना कैन डाल देंगे। तो कैन को निकालते हैं अभी। वेल बॉक्स कंटेंट में जो है कुछ ऐसा मिलता है, ये अपना ब्रैकेट हो गया, ये अपना होस पाइप का जो क्लिप है और दो नट, और ये वाला अपना जो बड़ा सा ब्रैम्बो का कैन है। और ये मैं सोच रहा था प्लास्टिक का आया, लेकिन ये प्लास्टिक का आएगा मैंने सोचा था ये वाला क्लैम, लेकिन ये आया अपना CNC मेटल का। तो काफ़ी स्टडी रहने वाला है अपना सेटअप, तो फटाफट सेटअप करते हैं। ब्रैम्बो कैन जो है अपना R15 में कुछ यहाँ पर माउंट होगा, तो इसको ये वाला कैप को निकालते हैं। सो निकल लिया, अंदर थ्रेड है इसका, देख पा रहे होगे, तो अंदर थ्रेड है इसमें। ये वाला जो नट है बिल्कुल इसके साइज में जाता है, ये फिलहाल अपना 15 नंबर जो सॉकेट रेंज है उसके साइज का है। तो ये आपको खरीद लेना है, ये अपना यहाँ पर फिट होगा, तो इससे ही जो है अपना ब्रैम्बो कैन जो है वो बैठेगा। तो ये फिलहाल इसमें आराम से लग जाता है, तो अभी फिट करते हैं। सो इस वाले क्लैम को पहले फिट कर लेते हैं, जो ये वाला नट बोला था इसके साथ में। ब्रैम्बो कैन अपना जो है अभी लेकर आते हैं, ये थोड़ा बहुत टाइट दे रखा है मैंने। सो ये रहा अपना ब्रैम्बो कैन, इसको अभी खोल लेते हैं यहाँ से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउंट होगा यहाँ पर, या फिर थोड़ा अंदर वो एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, अगर टच ना हुए तो बढ़िया है। तो देखते हैं और देखकर लगवा कर आपको दिखाते हैं। तो ये एक दिक्कत मेरे को आ रहा है, तो ये वाला जो अपना होल है इसके अंदर, ये वाला जो अपना नट है वो नहीं बैठ रहा है। तो ये होल को अपना जो है इस वाले होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो देखता हूँ कैसे होगा, वरना जो है अपना नट से नहीं लग पा रहा है। ये थोड़ा जो है लंबा वाला जो नट हो दे रखा है, मगर इससे भी नहीं हो रहा है, तो देखता हूँ इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको होल को थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं। सो ब्रैम्बो कैन जो है अपना फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, देख रहे हो क्या ही हैवी सेटअप लग रहा है, मगर है तो ये डमी, मतलब ये फेक है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ एस्थेटिक लुक है इसका। तो अभी सोच रहा हूँ इसके अंदर क्या डाला जाए, कोई देखा मैंने कोई स्ट्रिंग डाल रहा है जो एनर्जी ड्रिंक होता है वो डाल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास इंजन ऑयल है वो डाल देता हूँ, वो बढ़िया रहेगा, तो वो डालते हैं अभी। और पहले मैंने सोचा था जो है ब्लू पाइप जो है इसका, इसके साथ आया जो है ब्लू पाइप, वो मैं नहीं डालने का सोच रहा था, मगर इस ये लगाने के बाद ब्लैक के ऊपर क्या ही अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने सेटअप कर दिया है, तो यहाँ से जो इसका कैप था उसके साथ ही मैंने किया है, तो अभी ऐसे लीकेज भी नहीं होगा और लुक भी काफ़ी बढ़िया है। तो
काफी बढ़िया ऑसम सेटअप। ये वाला नट को मैं पेंट कर दूंगा सोच रहा हूँ, तो इसको पेंट करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है सिल्वर, तो देखते हैं करते हैं इसको। सो फिटिंग भी जो है एकदम प्रॉपर आया, तो इस तरफ मैंने पहले सोचा था इसको एकदम टच करके कर दूँ, मगर टच करने से यहाँ पर टच हो रहा था, तो एकदम अभी प्रॉपर फिटिंग है अंदर, यहाँ पर टच वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। सो गैप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही है, मगर हैंडल तो अपना सीधा ही रहेगा जब चलाऊँगा, तो उस समय तो काफ़ी बढ़िया है। तो ठीक है, अभी इसमें अपना इंजन ऑयल फिल करते हैं। ठीक है, इसमें जैसा बोला था इंजन ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है, देख लो काफी बढ़िया लुक दे रहा है। सो ऐसा ही मोड था, एस्थेटिकली काफी बढ़िया लग रहा है, किसी भी बाइक में आप कर सकते हो, नो मैटर कौन सी भी बाइक है, तो हर बाइक में यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो हर बाइक में फिट हो जाएगा। इसके साथ जो ब्लू पाइप जो आया था वो डालने के बाद और भी अच्छा लग रहा है, तो ये अपना काफी स्टडी सेटअप हो चुका है। तो ये अपना काफ़ी बढ़िया हो गया है, तो अपना जो इन हैंड फील, मतलब ये जगह से देखा जाए तो क्या ही हैवी सेटअप लग रहा है, मगर है तो ये डमी। सो ऐसा अपना एस्थेटिकली काफ़ी बढ़िया मॉड हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।